सीरियसली ये ड्रीम था यहाँ पे राइड करना, और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है असली लद्दाख की। इतना सुंदर रास्ता यार, मेरे को लग ही रहा था मैं वहां से स्लिप होता हुआ आया। अरे यार ब्रेक दबा हुआ है, ब्रेक भी मुड़ गया है मेरा। अरे बाइक स्लिप हो गई यार। बैक टू माई चैनल, दिस इज मी रॉबिन, यू एज आर वॉचिंग रॉब्लॉग्स। अभी अभी यार जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठे थे, थोड़ा ब्रश व्रश कर लिया अभी तक। कल रात को हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हुए थे और कोई हमारे पास ऑप्शन था नहीं रुकने का, और ये रास्ता भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और इसके बाद सीधा 90 किलोमीटर बाद कारगिल था, तो वही ऑप्शन था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए थे रात को अप्रॉक्स 7:30 बजे के आसपास। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपना सामान वामान पैक कर रहे हैं। ये मेरा जो कैमरा है वो चार्जिंग पर लगा हुआ है, सामान वगैरह सब लोड हो गया, भैया वगैरह सब रेडी हैं, चले भाई 100%। चलो तो चलते हैं। फाइनली अभी अपन लोग रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए, और जहाँ पे हम रुके थे इस जगह का नाम है प्राकचिक। प्राकचिक पड़ती है रंदुम से कुछ 30 किलोमीटर आगे। तो सीन ये हुआ था, हम लोग रंदुम में रुकने का कल प्लान कर रहे थे, बट फिर वहाँ पे हम लोगों को रूम मिला नहीं, अवेलेबल हुआ नहीं, और टाइम हो रहा था वहाँ पे 5 बज रहे थे, और जैसे ही हम लोग वहाँ से आगे निकले थे ये मान लो पूरा रास्ता ख़राब था। वो तो ये अच्छा हुआ कि हमें 10-12 किलोमीटर का जो पैच था रोड का वो एकदम नई रोड बनी हुई थी, लाइक हाल फिलहाल में बनी थी वो रोड। वो दिक्कत हो जाती अगर यहाँ पे रूम नहीं मिलता तो। यहाँ पे जो भैया थे बहुत ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटलिटी दी हम लोगों को, जैसे हम लोग आए तो हमें खाना पीना भी अच्छी तरीके से करवाया रात में। ये मान लो कि मेरे को अगर कहीं पर खाना पसंद आया तो एक तो यहाँ पर, और एक जो हम लोग सेकेंड डे रुके थे किश्तवाड़ में। चलो भाई ये लो, ट्रिप की स्टार्ट हुई नहीं, और ये गंदी वाली ऑफ रोड मिट्टी देखो भाई कितनी है। तो आज हम लोग जा रहे हैं प्राकचिक से ले, कोशिश है पूरी की ले तक करेंगे। तो कारगिल है यहाँ से 90 किलोमीटर, बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। भी अपनी आज की जर्नी को भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं, जय माता की, जय भोले शंकर बाबा की, हमारी ट्रिप सुरक्षित भरी बनाना और अपना हाथ हमारे ऊपर रखना। यार ब्रेकफास्ट में मैंने तो कुछ खाया नहीं है, भाई लोगों ने ऑमलेट खाया था और चाय पी थी, मैंने सिर्फ चाय पी है, बिकॉज मेरा कुछ खाने का मन होता नहीं है एकदम सुबह सुबह, अनटिल अनलेस मैं अपने घर पे हूँ और वहाँ पे मेरे को बिरयानी मिल जाए। उसके अलावा मेरे को कहीं पे भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता, बाहर मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है। तो मैंने हाफ डायमोक्स की गोली रख ली अपने पास, जब कुछ खाऊँगा तो वो खा लूँगा। तो दिक्कत ये है कि वो तो जो डायमोक्स की गोली है वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे थोड़ा हेल्प करती है, तो ले लेनी चाहिए, हाफ ले लो तो कोई परेशानी आपको आएगी नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी आप एक बार स्टिल डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले लेना भाई, मेरी बातों पे मत जाना। तो चलो भाई फिर अपनी आज की ट्रिप जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शिट यार बच गया, मेरे को लग ही रहा था मैं वहाँ से स्लिप होता हुआ आया। बाइक उठाता हूँ, अरे यार ब्रेक दबा हुआ है, आगे भी कोई नहीं है पीछे भी कोई नहीं। ये ब्रेक भी मुड़ गया है मेरा, कॉल करता हूँ। भैया एक मिनट रुक जाना जरा, सामान वामान तो ठीक है, एक बार चेक करता हूँ बाइक आगे बढ़ाने की। एक हो गया भाई, अरे बाइक स्लिप हो गई यार। बाइक तो उठा दी, सेल्फ नहीं ले रही। एक बार आना पीछे थोड़ा,
आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो भाई थोड़ा सा थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा मेरे को, वहाँ जाके मैकेनिक को ब्रेक दिखाना पड़ेगा अपना। तो ABS तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बट ब्रेक मेरे को दिखाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से शायद मेरी ब्रेक की वायर ना टूट गई हो, एक बार चलते हैं। वो दिक्कत ये हुआ, एकदम से यहाँ पे मिट्टी आ गई और मैं स्लिप हो गया। अरे ब्रेक बैंड हो गया है, ब्रेक बैंड हो गया, दिखाना पड़ेगा। तो ये पूरा बैंड हो गया, पर हल्का हल्का काम कर रहा है, कुछ भरोसा नहीं है भाई। पता नहीं क्या हुआ यार, एकदम से मैं संभाल रहा था, एकदम पता नहीं क्या हुआ। ये क्या हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है कुछ पावर सी लॉस सी है क्या। हो सकता है वो गिरा हो तो फ्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इंजन ऑयल भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, तो इस चक्कर में कोई नहीं, थोड़ा भी धीरे धीरे चलाते हैं। ब्रेकिंग कभी भी मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, वैसे तो लग रहा है, बट ऐसा ना हो कि वायर इसकी ज़्यादा खिंच गई हो तो उस वजह से कहीं इमरजेंसी में कहीं मैं ब्रेक मारूँ तो वो वायर टूट जाए। ये जगह देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है आगे, ये देखो पूरे एकदम ग्रीन ग्रास के गार्डन टाइप के बने हुए हैं। कितना सुंदर रास्ता है यार, नाम क्या है आपका? सानिया। और आपका? कुमेर। बढ़िया, बहुत क्यूट क्यूट बच्चे आते हैं भाई। वो देखो एक छोटा सा बच्चा है, वो भी हाई कर रहा है। भाई कारगिल के लिए यही रास्ता है। अच्छा, थैंक यू। नेम, नाम क्या है? हाँ, आपका? जहीद अब्बास। आई डोंट हैव चॉकलेट। कल भी बच्चे पता नहीं, मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे लोग आते होंगे ना, तो इन लोगों को चॉकलेट वगैरह देते होंगे रास्ते में। तो भाई साहब कल भी जब मैं रुका था तो बच्चे आके सीधे भगते हुए आए, कह रहे चॉकलेट चॉकलेट, गिव मी वन चॉकलेट, गिव मी वन चॉकलेट। अब एक काम करूँगा भाई, आगे जाके कहीं पे ना शॉप मिलेगी ना, तो वहाँ से टॉफीज वगैरह ले लूँगा, ताकि यार ये बच्चे वगैरह होते हैं मांगते हैं। भाई वाह बढ़िया, ये देखो बच्चे वगैरह मांगते हैं, मेरे हिसाब से उनको चॉकलेट वगैरह देते होंगे, तो इसलिए ये हर किसी से मांगते हैं। ये देखो। हेलो, बाय बाय। तो क्यूट क्यूट बच्चे हैं भाई ये। ये देखो। जैसे भाई अगर उसको देखते हैं ना, हाथ कर देते हैं। ये देखो। वाओ, लोग भी अच्छे हैं यार यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग नॉर्मली अगर हिमाचल साइड में, मतलब आप डीप कहीं किसी भी जगह पे अगर आप डीप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको सब हर जगह लोग अच्छे मिलेंगे। ये देखो अपने आप ही हाथ दे देते हैं बच्चे। ये भाई साहब ये तो भर भर के मार रहे हैं। पता नहीं हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। ये रिवर। ओ भाई सब चॉकलेट मांग रहे हैं। ये लड़कियां अच्छी हैं भाई, बहुत प्यार प्यार से कर रही हैं। ये तो यार सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं यहाँ पे रुका हूँ, सोच रहा हूँ केले ले लेता हूँ। भैया केला कैसे दिया? 120 रुपए दर्जन। तो दो केले ले लिए यार, ठीक है कुछ खाने के लिए हो जाएगा, खा लेता हूँ अभी दो केले। सही है, खाली पेट यार गैस बनती है, अभी ना मतलब तबीयत भी खराब होगी। तो ये है कि अभी थोड़ा जुगाड़ हो गया है, बाकी कहीं पे कुछ नाश्ता पानी जो भी दिखेगा अपना खाने लायक वो खा लेंगे। मेरे साथ ये दिक्कत है कि जो मेरे को चाहिए वो अगर मिल जाएगा तो मैं अच्छे से खा लूँगा। यहाँ से कारगिल है 40 किलोमीटर्स। लीवर होगा को देख लो, अगर ये ठीक हो जाए तो नहीं, ब्रेक लग जाए तो ब्रेक अभी हल्का लग रहा है।
ऐसे तो नहीं वायर वायर खिंच गई हो, थोड़ा सा फर्क पड़ा। यहाँ से है लामा यूरू है 106 किलोमीटर और यहाँ से ले है 250 किलोमीटर अप्रॉक्स, और बीच में कहीं से पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ से अपना जो टैंक है वो भी फुल करवा लूँगा। वैसे तो अभी अच्छा खासा तेल है इसमें, बट स्टिल मैं वहाँ पे कोई पड़ेगा तो वहाँ से फुल करवा लूँगा। हम लोग आ रहे थे संस्कार वैली की तरफ से और वो जो द्रास वॉर मेमोरियल है, कारगिल वॉर मेमोरियल है, वो पड़ता है उस रूट पे जो श्रीनगर से कारगिल की तरफ जाता है, वो उस रूट पे पड़ता है। बट हम लोग आ रहे थे संस्कार की तरफ से, तो हमारे यहाँ से कारगिल से वो 80 किलोमीटर द्रास वाली साइड पे है, बट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उल्टा पड़ता, 60 किलोमीटर जाना 60 किलोमीटर आना है लाइक, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने वो स्किप कर दिया है। और कभी देखेंगे यार, कभी चांस मिला तो ज़रूर घूमेंगे। मेरा मन तो बहुत था पर क्या करें यार, टाइम की थोड़ी सी कमी है। कारगिल सिटी से बाहर निकल रहा हूँ और भाई सीरियसली यहाँ पे राइडिंग करके ऐसा फील आ रहा है कि एक अलग ही जगह पे मैं राइड कर रहा हूँ। वैसे मैंने मूवीज वगैरह में देखा है भाई साहब, सीरियसली मतलब बिलीव नहीं हो रहा भाई कि अपन भी यहाँ पे राइड कर रहे हैं अब। सीरियसली ये ड्रीम था यहाँ पे राइड करना, और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है असली लद्दाख की। आज हम लोग लेह में जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे और कल भी हम लोग सेम जगह पे स्टे करेंगे, कल हम जो है लेह सिटी एक्सप्लोर करेंगे। ओ भाई ये पूरा ग्रुप जा रहा है राइडर्स का, रोड अच्छी है, लिमिट में चलेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये इसमें शार्प टर्न्स है यहाँ पे, वहाँ पे प्लीज़ हॉर्न जरूर दें। ये देखो यार सामने का पहाड़ गजब, ये भाई जा रहे हैं। इस टाउन का नाम है ब्लेक और मैं आया हूँ यहाँ पे फ्यूल भरवाने के लिए। आगे जाके पता नहीं कहाँ मिले, फुल करवा लेते हैं। अपनी बाइक में फ्यूल अप तो करवा लिया है, 101 समथिंग रुपए था यहाँ पे और 6 लीटर पेट्रोल आ गया मेरी बाइक में। और भाई साहब ये देखो, ये नज़ारे देखो सामने के, लग रहा है ना एकदम मून लैंड लिटरली भाई, अलग ही ब्यूटी है भाई जगह की, अलग ही। सो गाइस फाइनली वी हैव जस्ट रीच्ड नमकीला टॉप, इट्स 12,198 फीट अबव द सी लेवल। तो अभी यहाँ से ले है 170 किलोमीटर एंड ये रही अपनी बाइक, हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई और बस अभी निकल रहे हैं। और यहाँ पे ये कैफ़े है, ये आर्मी वाले रन करते हैं। ये देखो भाई क्या अच्छा व्यू लग रहा है देखने में। सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं बुद्ध खरदू में और यहाँ से ले है कुछ 170 अप्रॉक्स, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी यार, तो जस्ट अभी मैंने एक यूट्यूब नूडल्स मंगाए थे और फिर रोटी और आलू मटर मशरूम की सब्ज़ी मंगा दी है। तो अभी यार अपना खाना पीना करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो जो दूसरे वाले भाई थे वो तो आगे ही निकल गए, और उनको कॉल वॉल करी तो उन्होंने बोला कि आप लोग खाना खा लो, मैंने कहा फिर आप वहीं पे खा लो, हम यहाँ पे खा लेते हैं। तो खाना पीना करते हैं और फिर निकलते हैं ले के लिए। भाई अपना खाना पीना तो हमने कर लिया है यहाँ पे, हमने लिया था आलू मटर मशरूम की सब्जी और रोटी। यार मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, खाना ज़्यादा खाने का मन हो ही नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने लेज खा लिए और उससे पहले ये भी खा ली थी, तो खाना पीना ठीक ठाक था, बढ़िया था। और बिल बना हमारा कुछ 350 रुपये का, तो खाना पीना खा लिया भाई, अब हम निकल रहे हैं वापस अपना लेह की तरफ। तो लेह है अभी यहाँ से 170 के अप्रॉक्स है, तो देखते हैं भाई कितनी देर लगेगी हम लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचने में। और यहाँ पे घर देखो भाई कैसे बने हुए हैं, इतने छोटे 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 और सारे ना ऐसे ही बने हुए हैं, जिस कलर की मिट्टी है उसी कलर के वो घर बने हुए हैं। लाइक नॉर्मली मैंने अभी तक ये देखा नहीं है कि किसी ने अपने घर पर पेंट वेंट कर रखा हो, सबके घर पर यही है, बाहर से सबने मिट्टी मिट्टी लीप रखी है, लाइक मिट्टी लगा रखी है सब लोगों ने अपने घर की तरफ। फर्टुला है यहाँ से 9 किलोमीटर फर्टुला टॉप, तो 9 किलोमीटर है, वो भी एक अच्छी हाइट पे है। देखते हैं उसकी एग्जैक्ट हाइट क्या है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और इसी यहाँ पे देखो पहाड़ों पे सेम कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड दिखेंगे, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लू, ग्रेइश, हर तरीके के दिखेंगे भाई। बोलने की कोशिश करो ना तो भाई सांस फूलने लग जाती है। गाइस फाइनली अभी अपन लोग पहुंच गए फोचिउलच्छा, तो ये जो है ये है 13,479 फीट अबव द सी लेवल, श्रीनगर टू लेह हाईवे का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो चलो भाई अभी यहाँ पे चलते हैं ज्यादा देर ना करते हुए, बिकॉज हमें निकलना है लेह की तरफ। अकेले हो आप यहाँ पे, अकेले हो आप? यार खाने के लिए तो मेरे पास कुछ होगा नहीं, आप चॉकलेट होगी थोड़ी, ये रख लो आप, एनर्जी आएगी इससे थोड़ी, यही है मेरे पे, ये रख लो। और पानी भी, ये सुबह मैंने बॉटल तो रखी थी, शायद गिर गई बॉटल, होता तो दे देता यार,
आपके बीआरओ में काम करते हो, वो समझ गया मैं यार। सॉरी यार, पानी मैंने यार सुबह भर के रखा हुआ था, बोतल बोतल गिर गया कहीं। एक चॉकलेट और है मेरे पास, ये लो आप हारो, ठीक है इतना ही है यार, है ना। ओके ओके जी बाय। बहुत अजीब सा फील हो रहा है यार कि किसी बंदे ने ऐसी जगह पे मदद मांगी और मैं हेल्प नहीं कर पाया यार। ऐसे मैं करूँ भी क्या, अगर मैं उसको पैसे भी दे दूँ ना तो पैसे से क्या फ़ायदा भाई, पैसे से कुछ ले थोड़ी पाएगा यहाँ पे। अभी मैं एक काम करूँगा नेक्स्ट टाइम से, अभी कुछ ना कुछ अपने साथ मैं कैरी करता हूँ खाने पीने के लिए। कुछ नहीं पता, खुद हमें भी भूख लग सकती है या फिर उसकी नीड पड़ सकती है या फिर कोई और भी है। जैसे अभी ये भाई था, दो बंदे थे, अभी ये कह रहा है कि इनको खाने के लिए चाहिए, अभी कुछ है नहीं इनके पास खाने के लिए। यार मेरे पे दो चॉकलेट एक टॉफ़ी पड़ी हुई थी यार, मैंने वो ही दे दिया और मेरे को लाइक बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया यार। ये सामने वाला पहाड़ देखो भाई, एकदम पर्पल कलर का है भाई, रेडिश और पर्पल मिक्स सा लग रहा है भाई साहब, अलग ही कलर है भाई, अलग ही। ये देखो भाई साहब, They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. और एकदम वैली में हम चल रहे हैं और बीच में ये रिवर, भाई साहब एकदम ही अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं भैया लद्दाख का सफर भाई रोड कर आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो गाइस वो देखो सामने भाई, मून कितना प्यारा लग रहा है। आई डोंट थिंक कि कैमरे में वो जस्टिफाई कर पा रहा होगा व्यू। वो देखो भाई सामने कितना प्यारा लग रहा है यार, ये वर्ड्स में डिस्क्राइब करना ना ये चीज, सीरियसली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा। इसको मूनलैंड ही बोलते हैं लद्दाख को, वैसे भी ये जो पार्ट आता है इस पार्ट को बिल्कुल मूनलैंड कहते हैं। और वो सामने एकदम मून और एकदम लेवल पे, आई लेवल पे है मून। अब तो थोड़ा सा नीचे आ गए, ऊपर से एकदम आई लेवल पे था, बड़ा सुंदर लग रहा था भाई साहब, बहुत सुंदर। तो चलो भाई कोई नहीं, अभी चलते हैं धीरे धीरे आगे चलते हैं। अभी मे भी पत्थर साहिब गुरुद्वारा आएगा तो वहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर। तो भाई अभी हैं हम लोग मैग्नेटिक हिल पे, पता नहीं भाई कुछ तो हो नहीं रहा यार, यहाँ पे बाइक आगे जाने की जगह पीछे और जा रही है। चलो भाई छोड़ो, चलते हैं आगे। त्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा, ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, बहुत मान्यता है भाई इस गुरुद्वारे की। यहीं लगा दो, ऐसे लगा दो तीनों बाइक, ऐसे लगा दो। अभी हम लोग गए थे गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी के अंदर, और अंदर जो है फोटोग्राफी वगैरह अलाउड थी नहीं तो इस चक्कर में वीडियो बना नहीं पाया। तो अभी मैं थोड़ा अंधेरा भी हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, ले है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। तो अभी एक काम करते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस फाइनली भी हम लोग ले के अंदर तो आ चुके हैं और रूम देख रहे हैं अपना, एक रूम देखा है यहाँ पे, तो एक बार उसके अंदर जाते हैं। ये था रूम तो भाई अच्छा था, तो एक बार चलते हैं अंदर और फाइनल करके आ जाते हैं, उसके बाद ये सामान जो है वो रख देंगे। दीदी वो रूम करवा दो। तो भाई ये होने वाला अपना रूम, एक बार दिखाता हूँ आपको। थक गया यार, एक्चुअली दो दिन के लिए चाहिए तो उस हिसाब से लेना था। और ये वॉशरूम, तो रूम सही लगा इसलिए सोचा ले लेते हैं। चलो फाइनली भी हम लोग आ चुके हैं ले में और टाइम हो रहा है 8:30। और यार बहुत ज़्यादा लाइक थकान हो गई थी और इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे थी नहीं। जंस्कार वैली की साइड में जितनी ठंड थी ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल वाली ठंड थी। ये देखो भाई हमारे रूम की हालत कैसी हो रही है, ये अपने रूम की हालत है। तो खाने वाने का सीन अभी है नहीं यार, बिकॉज अभी 20-25 किलोमीटर पहले जो गुरुद्वारा पत्थर साहिब पड़ा था वहाँ पे अपन लोगों ने लंगर वगैरह कर लिया था। तो अभी भूख ज़्यादा है नहीं, अभी भूख है तो वो है नींद की भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। दो तीन दिन हो गए नहाए ही नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइक अजीब सा हो रहा है सर में भी, मतलब इतनी डस्ट वगैरह हो रखी है। तो भाई अभी जाएंगे नहाएंगे फ्रेश वगैरह होंगे, तो चलो भाई अभी मैं जाता हूँ नहा धो के आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, देखता हूँ, फिर उसके बाद अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। We'll be right back.